यार काफी टाइम हो गया है, अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। लगता है कि मार्केट ठंडी हो गई है और अभी तक मालिक का भी कोई अता पता नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा उनका, क्या करें। माशाल्लाह 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 कस्टमर आ गया चलो, लेकिन मालिक का तो फोन पता नहीं और ना मुझे तो रेट का भी कोई अंदाजा नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं फोन कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है भाई। मैंने एक फोन लेना था आपसे। कौन सा? ये मेरे सामने पड़ा हुआ ये वाला। भाई कितने का है आपका फोन? बस मुझे एक ही फोन चाहिए। अच्छा भाई चलिए, मैं ना मालिक से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ स्कूल का क्या है। नहीं नहीं सदर रुपये भाई जी भाई, मैं यहाँ से लेकर जाता रहता हूँ तो मुझे पता है इस फूल का क्या रेट है। आप तो पहले भाई जो है वो मुझे जानते हैं, आप उनको बताइएगा कि अभी आया था उससे एक फूल लिया, वो मुझे 1000 रुपये का फूल देते हैं। अच्छा भाई तो मैं आपको एक काम करता हूँ, 1000 रुपये दे देता हूँ और ये फूल मैं ले जाता हूँ। ठीक है भाई, और आप कह रहे हैं तो मैं आपको दे देता हूँ ये फूल। भाई ये वाला फूल जी, मैं आपका फूल के भाई ले जाता हूँ। ये है भाई, मैं ये फूल यहाँ पर रख देता हूँ, आप ले जाएं। वाह यार आज तो मजा आ गया, 2000 रुपये का चूना लगा दिया। चलो शुक्र है कोई तो कस्टमर आया है, नहीं तो मालिक सोचेंगे कि आज की सेल भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये आ गए हैं, चलें कोई ना कोई घर का निज़ाम मालिक का चल जाएगा। हाँ उमर तो बताओ आज की सेल वगैरह हुई क्या? नहीं। हाँ मालिक, आपका कोई दोस्त आया था, अली नाम बता रहा था, उसने एक फूल लिया है। जी अच्छा, तो कौन सा फूल तुमने उसको दिया और किस रेट पर दिया? मालिक ये जो 2x2 के फूल पड़े ना, मैंने वही वाला फूल दिया है, वो आपका दोस्त बता रहा था तो इसलिए मैंने वो फूल दे दिया। मालिक ये मैंने उसको 1000 रुपये का फूल दिया है, वो कह रहा था कि 1000 रुपये में मैं लेकर जाता रहता हूँ ये फूल आपसे। यार ये तुमने क्या कर दिया, 3000 रुपये वाला फूल तुमने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में दे दिया, 2000 रुपये का उल्टा तुमने और नुकसान करवा दिया। आगे कारोबार की कोई सिचुएशन है नहीं, उल्टा तुम 2000 रुपये का और नुकसान कर बैठे हो। नहीं मालिक, वो तो कह रहा था कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैं यही फूल 1000 में लेकर जा रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि मैं ये 1000 में दूँ आपसे। मैं रेट पूछने के लिए फोन भी कर रहा था लेकिन उसने मना कर दिया था। पहले ही काम की कोई सिचुएशन नहीं होता इसलिए और 2000 रुपये का नुकसान करवा दिया। ये चाबी किसकी पड़ी है? ये चाबी तुम्हारी है? नहीं मालिक ये चाबी मेरी नहीं है, हो सकता है शायद जो अभी आपका दोस्त जो बंदा कह रहा था शायद उसी की चाबी हो ये। चलो ठीक है आने दो उसे, मैं भी उसको सबक सिखाता हूँ अच्छा वाला। भाई भाई आपने वो कोई चाबी तो नहीं देखी? यार वो बहुत कीमती चाबी थी मेरे लिए, वो असल में मेरे घर की चाबी थी। नहीं भाई मेरे पास तो कोई भी चाबी नहीं, नहीं मैंने कोई चाबी देखी है, मुझे तो पता नहीं इस बारे में। भाई मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह पाक ने मुझे सबक सिखाया है, असल में मैंने आपको झूठ बोला था, वो 3000 रुपये वाला फूल था और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में वो लेकर गया था, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे सबक सिखाया, अल्लाह मुझे माफ करवा दे। ये लो भाई आपकी चाबी, लेकिन भाई आइंदा की बात इस तरह कोई गलत काम ना कीजिएगा क्योंकि अल्लाह देख रहा है और वो बेहतर फैसला करने वाला है। ये लो भाई अपनी चाबी। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको अजर दे और आप बाकी के 2000 रुपये ही मुझसे दे दीजिए।